ରାଜ୍ୟରେ ଦୁଇ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଛେଚିବ ବର୍ଷା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଦେଲା ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। 10 ଜିଲ୍ଲାରେ ରଚିବ ତାଣ୍ଡବ। ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ, ଏହା ବାତ୍ୟାର ବି ରୂପ ନେଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିଠାରୁ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ବେଳେ 36 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ପରିମାଣ 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗୁରୁବାର ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବା ସହ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ଅଧିକ ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ରହିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। अगर बात करें सिग्निफिकेंट वेदर सिस्टम की, तो जो कल का जो वेलमार्क लो प्रेशर, जो कल का लो प्रेशर एरिया था, वो अभी आज सुबह वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बन गया है, जो कि प्रेजेंट नॉर्थ वेस्ट बे बंगाल और अडजाइनिंग नॉर्थ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल कोस्ट के ऊपर लाई कर रहा है। इसकी जो सर्कुलेशन है वो समुद्र तल से 7.6 किलोमीटर हाइट तक पहुंची हुई है और जो साउथ वेस्ट रोड की तरफ टिल्ट किया हुआ है। ये सिस्टम अभी ये आगे आने वाले 2 दिन में ये उड़ीसा को और छत्तीसगढ़ को क्रॉस होते हुए आगे बढ़ेगा। ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ରର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇସାରିଛି। ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ସୋନପୁର, ସମ୍ବଲପୁର, ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ କରିଛି। ସେହିପରି ନୟାଗଡ଼, କୋରାପୁଟ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି ଓ କଟକ ଅନୁଗୁଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ଥିବାରୁ ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होने की संभावना, जिसमें डिस्ट्रिक्ट शामिल जो रेड वार्निंग में संबलपुर, बारगढ़, सोनपुर, बोलांगी, नुआपड़ा और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट शामिल है। उसके अलावा हैवी टू वेरी हैवी एक दो स्थान पे हो सकते हैं, वहां पे ऑरेंज वार्निंग है नवरंगपुर, कंधमाल, बोध, अनुगुल, ढेंकनाल, कटक, देवगढ़, सुंदरगढ़ और झारसुगुड़ा में। जो हैवी रेनफॉल आइसोलेटेड प्लेस पे होने की संभावना है, वहां येलो वार्निंग दी गई मयूरभंज, केवंदर, जाजपुर, नयागढ़, रायगढ़ और कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में। डे टू में ये सिस्टम आगे को बढ़ जाएगा, जो हमारे सिर्फ आइसोलेटेड प्लेस में हैवी रेनफॉल के लिए येलो वार्निंग दी गई, जिसमें सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बारगढ़, नुआपड़ा और नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट शामिल है। डे 3 डे 4 कोई वार्निंग नहीं है। उसके 18 तारीख को भी जो हमारे हैवी रेनफॉल के लिए कंधमाल, गंजम, गजपति, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, इन डिस्ट्रिक्ट में आइसोलेटेड प्लेस में येलो वार्निंग आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल के लिए है। उसके अलावा लाइटनिंग की भी संभावना है, इसलिए इन डिस्ट्रिक्ट के साथ में नयागढ़, खुर्दा और पूरी डिस्ट्रिक्ट में लाइटनिंग के साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग होने की भी संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, कलिंगा टुडे लाइव।